की आगे। भाई क्या हुआ सनील भाई? मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे ओक्युलस की डार्क एनर्जी महसूस हो रही है। क्या क्या बोल रहा है? ओक्युलस की डार्क एनर्जी? ओह शिट, इसका मतलब वो यही कहीं पर है। वो यार ओक्युलस यही कहीं पर हो सकता है, वो हम लोग को मारने भी आ सकता है। हाँ वैसे तो आने दे, डरता नहीं हूँ मैं। नहीं यार वो बहुत डेंजरस हो सकता है, उसने जेनेसिस को मारा है। हाँ हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, अब तो मुझे उसकी डार्क एनर्जी और भी सेंस हो रही है, मुझे लगता है वो अपने करीब आ चुका है। वो तो फिर हमें करना क्या चाहिए, कोई प्लान वैन है कि नहीं? यार कुछ प्लान ही नहीं है हम लोग के पास, क्या करेंगे? अब तो हमारे पास बस एक ही प्लान है, जो कि जाके फोड़ो उस बंदे को। यस हम लोग पास ही कड़क वाली स्वॉर्ड है। हाँ इससे हम लोग काट के रख देंगे पूरा। यार फिर भी डर लग रहा है। अरे हीरो मैन स्वॉर्ड ऐसी ही मतलब फालतू तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ इस स्वॉर्ड में तो है जो कि इसको काफी स्पेशल बनाती है। यार तो अब क्या करें यार, कहने भी बेचारा सेफ नहीं है, किसी को तो रखना पड़ेगा नीचे सेफ रखने के लिए उसको। हाँ एक काम करना, आप है ना यहाँ पे ही रहना जब तक हम लोग उससे फाइट करेंगे, अगर वो आया तो। ठीक है मैं अपने कहने की रक्षा करूंगा। तो अभी हम लोग है ना आसपास नजर रखते कि वो कहीं है तो नहीं ना यहाँ पे, तू भी देख तेरे जंकी। हाँ देख रहा हूँ, लेकिन वो अचानक से आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ यही है, यही बात है, इसी का तो डर है। रुक जा मैं बाहर देख के आता हूँ। हाँ रुक, मैं दरवाजा ही बंद कर देते, रुक जा। हाँ बंद कर दे, ऐसे उससे कोई फायदा तो नहीं, वो खोल लेगा। लास्ट टाइम वो यही पे आया था। हाँ मैं यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है, चल अंदर चलते। यार समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें हम लोग, क्या आपको अभी भी सेंस हो रही है उसकी एनर्जी? हाँ मुझे सेंस हो रही है, एक मिनट मुझे कुछ तो हो रहा है। क्या 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 हो रहा है? कुछ तो अजीब सा फील हो रहा है। क्या हो सनील बताओ? क्या हुआ से? है वो? क्या हुआ क्या बट? ए क्या हो रहा है? तू ही तो हमारे पास आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? अरे वो ये कहाँ पर आ गए? व्हाट, ये कहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए हम? एक मिनट आ गए। ओक्युलस शिट, ओह शिट भाई, इसके अंदर देखो इसका नाम दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग इंटर डायमेंशन वर्ल्ड में। व्हाट ये कैसे हुआ है? ये तो जेनेसिस की पावर है। वेट क्या इसका मतलब ये बंदा जिसको ये मारता है उसकी पावर ले लेता है क्या? हाँ शायद ऐसे हो सकता है, ये शायद जिसको भी मारता है उसकी शक्ति ये ले सकता है। ओह अरे एकदम सेम टू सेम वर्ल्ड लग रहा है जैसे कि जेनेसिस ने बनाया था। तो फिर ओक्युलस ने हम लोग को यहाँ पे क्यों बुलाया है? वीट के हम लोग को मारना चाहता है। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हाँ यार बात सही है, एक बार हम लोग इसके वर्ल्ड में आ गए ना तो वापस नहीं निकल सकते हम लोग, जब तक हम दोनों में से कोई एक जीते। यू पास आ रहा है ए ओ भाई, ये तो नोटिस ही नहीं किया। शिट रुक बॉयस, रुक रुक एकदम आराम से, क्या हम लोग इससे लड़े? रुक जाओ वहाँ पे। ओ पकड़ लिया, लेट्स गो। ओ भाई स्पेशल मूव, अभी यहाँ से नहीं निकल पाएगा, कोई भी नहीं निकल पाया। ये क्या हो रहा है? ये तो नामुमकिन है। ओ शिट शिट भाई मार रही तो। ओके रुको 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 भाई, ये तो मारने पे आ गया। ए प्रोग्रेस बच के रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ यस लेट्स डू इट भाई, कूटो इसको भाई, रुको रुको मार, मैं अपने स्पेशल अटैक यूज करता हूँ। प्रोग्रेस थोड़ा हट जाओ। हाँ यार मुझे आपके अटैक्स लग रहे भाई, ये काफी स्ट्रांग है भाई, मर भी नहीं रहा है। और वेट वेट मेरी हेल्थ रुको, मैं भी अपनी स्पेशल पावर यूज करता हूँ थोड़ी सी। मार 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 इसको, मार यस इसको, देखो कितना डैमेज हो रहा है। यस ओ शिट बट ये बहुत फास्ट भाग रही है। हाँ ओ शिट भाई ये क्या, ओह बहुत बहुत कम है। देखो यार मेरी हेल्थ बहुत कम है, मैं फॉल पे करो। हाँ जा जा मैं इसको संभालता हूँ जब तक। ओ भाई ये तो तेरे पीछे पड़ गया पूरा। ओके एंड रुको अभी मैं इसको अपने स्पेशल अटैक से भी थोड़ा बहुत मारता हूँ। ये ले भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पेशल अटैक इसके ऊपर काम नहीं आ रहे? यार बहुत शक्तिशाली है ये। ऑलराइट भाई कैसे मरने वाला ये? ओके रुको रुको मैं इसको जितना भी मारने का ट्राई कर रहा हूँ फुल, लेकिन भाई ये बंदा मर नहीं रहा है। सुमिल भाई तुम भी मारो भाई, इसकी कुछ ना कुछ तो वीकनेस होगी ना, ये तुम पे भारी पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हम इसे यहाँ पे नहीं खत्म कर सकते, कुछ तो और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अरे यार रुक रुक तू भाग तू भाग। अरे शिट मेरी हेल्थ बहुत कम है, भाग भाग भाग। नो नो शिट बचाओ। हाँ रुक अभी मैं देख रहा हूँ इसको। यस ये ले। यस 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 यहाँ से निकलने का रास्ता निकालना पड़ेगा हमको। यार इसका कुछ ना कुछ तो वीकनेस होगा ना भाई, ये मर नहीं रहा है। और अगर हम लोग ये मैच नहीं जीते तो फिर हम लोग कभी अपने वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। ओ शिट यार ये नहीं मर रहा है यार, कैसे तो इसका वे ढूंढना ही पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ना ये मर रहा है और ना ही हम लोग मर रहे। ओ शिट, और भाई मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये अपनी पूरी शक्ति यूज नहीं कर रहा है शायद, क्योंकि हम लोग ने देखा था ये काफी फास्ट था, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। रुको 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 अच्छे से जाते हैं। ओए जंगी जल्दी एकदम संभाल के आना। ओके और भाई ये क्या चीज है,
अरे ओ शिट शिट भाई बहुत मार रही तो ओ नो कुछ तो करना पड़ेगा। रुको 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 ओ मैं आ रहा हूँ ये ले। और भाई तूने ये नोटिस किया क्या? क्या देख रही है? आइलैंड पूरी तरह से बना भी नहीं है। व्हाट इसका मतलब? इसे शायद अच्छे से यूज करना नहीं आ रहा है पावर। ओ हो सकता है। रुक इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वे आउट होगा यहाँ पे। अरे मेरे को मारेगा। हाँ तू उसको संभाल दे रहे मैं कुछ देखता हूँ यहाँ पे। भाई ये क्या है? कुछ तो है यहाँ पे। वो इस बचाए अरे तुम्हें को मार रहा है। रुक यार रुक मुझे कुछ तो पता चल रहा है। रुक जा ये क्या है ये सब? तेरे को मारने आ रहा है संभाल के। आने दे आने दे मैं भी फोड़ दूंगा इस बंदे को। लेकिन यार नहीं मर रहा इस शॉट से यार। रोबोट है यार कड़क। ओ नो 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 भाई अबे तेरे पीछे कुछ तो है। अबे ये क्या? देख ओ शिट। ओ नो 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 रुक 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 शायद अब वो एक रास्ता है उसके अंदर जाके देखो। क्या क्या बात कर रहे हो? चलो ट्राई करते हैं। ओ ये क्या हो रहा है? ओ भाई ये क्या है? ओ ये क्या हो रहा है? ये क्या? सेविल बॉय। ओ शिट। ओ नो भाई हम लोग कहां पर है? एक मिनट खाना खा तो मैं। ओ यार मेरी हेल्थ। नो आई गेस हम लोग उसके माइंड से बाहर आ गए। लेकिन ये हम लोग कहां पे आ गए? वही तो प्रॉब्लम है ना। आई गेस हम लोग कोई रैंडम डायमेंशन में आ चुके। ओ यार अब क्या करेंगे? मुझे लगता है कि उसे पावर यूज करना नहीं आ रहा था इसलिए उसने सब गड़बड़ कर दी। वही उसने मतलब माइंड क्रिएट तो किया लेकिन वो छोटा सा उसका वर्ल्ड था। वेट हम लोग को ये सब पता है वो ना अपनी बॉस की बात मानता है जो कि ये शेंग आई गेस। तो फिर उसने हम लोग को मारा क्यों नहीं? वो मतलब अपने फुल पावर यूज भी नहीं कर रहा था उतना इतना तो मुझे पक्का पता चल चुका है। और एक मेरी शॉर्ट की ये भी एकदम फुल हो गई ड्यूरेबिलिटी। कितने सारे शॉर्ट्स मारे लेकिन वो मर ही नहीं रहा है बंदा। क्या ये सॉर्ड उसके ऊपर काम नहीं कर रही? आई डोंट नो यार क्या हो रहा है। उसने हम लोग को मारा क्यों नहीं? क्या वो हमारे साथ खेल रहा था? क्या मालूम बट यार वो तो बॉस की बात मानता है ना यार। समझ नहीं रहा है मेरे को कुछ अभी। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है उसके ऊपर। अरे ऑक्यूलस करना क्या चाह रहा था हमारे साथ? ओके छोड़ो अभी ये सब बातें नहीं करते। और अभी सोचते हैं ऐसे निकलना कैसे क्योंकि आसपास मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। यार यहाँ पे तो बहुत सारी झाड़ियां है। और ये कौवा चल बे। तो यार अभी क्या करना है जल्दी बताओ यार। हम लोग अभी सर्वाइव कर पाएंगे? अरे मुझे तो घर जाना है। ये हम लोग कहाँ पे आ गए यार? कैसा डायमेंशन है यार ये? मस्त हम लोग चिल कर रहे थे वहाँ पे। भाई फुल बर्फ से बना हुआ है। वेट कैनी डेंजर में तो नहीं है? अरे यार हाँ है उसको भी खुला छोड़ दिया। लेकिन साइंटिस्ट उसके पास है। चलो तो ये अच्छी बात है हम तीनों बस इसके जकड़ में आ चुके हैं। और हाँ ओक्यूलस को पता नहीं कि वो जिंदा है इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करें यार ऐसे घर कैसे जाएंगे? आ जाओ थोड़ा आगे चलते और कुछ है ना थोड़ा फाइंड करने का ट्राई करते हैं। कुछ ना कुछ तो मिलेगा है ना। ये क्या है? कोई रिवर है क्या? चलो देखते हैं। वो पूरा का पूरा एक रिवर है वो भी फुल आइस से बना हुआ। और वो देख भाई क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार। चलना कहीं तो आगे चलते चल। हाँ चला जा मेरे साथ। ये वाटरफॉल है। ओ चलो 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 आगे क्या मस्त है। ओके मैं जंप। ओ वाओ मैं जंप मार सकता हूँ मस्त। लेकिन यार ऑक्यूलस ने हम लोग को मारा क्यों नहीं? वो तो मतलब वो मार रहा था लेकिन हम भी अच्छा लड़ाई कर रहे थे लेकिन वो मतलब पता नहीं। हाँ वो अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहा था जैसे कि उसने जेनेसिस के ऊपर की थी। बट कैसे फुल पावर मतलब क्या पता नहीं। ओ भाई आगे दूर दूर तक तो कुछ नहीं है यार। मुझे तो लग रहा है ना कि वो किसी की भी पावर चोरी कर सकता है। हाँ वो तो ऑब्वियस हम लोग को दिख गया क्योंकि उसने जेनेसिस को मारा और उसकी पावर उसने ले ली लेकिन उसको अच्छे से यूज करना नहीं आ रहा। एक मिनट वो अपनी नई पावर सीखने मतलब ट्राई करने तो नहीं आएगा यहाँ पे? हाँ हो सकता है रे। हाँ इसलिए उसने हम लोग को ज्यादा मारा भी नहीं। हाँ वो बस अपनी पावर्स को ट्राई कर रहा है और हम लोग को बस बकरा समझ के ये सब कर रहा है। एंड यार तेरी शॉट भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाई यार। ओए यार ये पता नहीं तेरे शॉट में कुछ तो ऐसा होगा जो हम लोग को नहीं पता कुछ सीक्रेट एबिलिटी। हाँ यार मुझे भी पावर्स नहीं पता ना मैं पहली बार यूज किया सबको। चल अभी आगे चलते हैं। लेकिन यार आगे आगे तक दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। चल चल बस चलते रहते हम लोग। हाँ यार चल देखते। एक मिनट सैमुअल भाई इधर आओ ना। क्या हुआ? आप हम लोग को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते क्या? अरे हाँ टेलीपोर्ट। हाँ वही अगर हम लोग उसी वर्ल्ड में तो फिर हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे आराम से। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। ओके लेट्स डू इट। 3, 2, 1 व्हाट काम नहीं किया क्या? ये नहीं हुआ कुछ भी क्या सैमुअल भाई? लगता है ये काम नहीं किया। हाँ वो तो पता है बट क्यों नहीं किया काम? यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जो मुझे रोक रही है। वेट इसका मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चला जा अभी हम लोग आगे चलते थोड़ा। ओके
फॉरेस्ट आ गए तो। हाँ चल जाके देखते फॉरेस्ट के अंदर। ओके बूढ़ी बूढ़े यहाँ पे, और मेरे पास ये अभी तो ये चाबी है, क्या करना है इसका, फेंक देता हूँ। कौन सी चाबी है? ये वही चाबी है जहाँ से मैं भागा था, याद है? ओ चल इसको फेंकते हैं, एंड और जो भी घटिया सामान है ना वो भी तू भी फेंक दे, अगर फेंकना है तो। नहीं नहीं चल चल ठीक है चलेगा, मेरा भी काफी है ये टा। ये कौन कौन है ये, कोई तो आवाज आई ना। ये सैमुअल भाई क्या कर रहे तुम? ये मैं नहीं हूँ। तो कौन है भाई? भाई मेरे को डर लग रहा है अभी। ये भूत तो नहीं है? ये कौन है? What? ये देख। ये? अभी कोई तो है। Oh shit. ये कौन से बाबा है? चल थोड़ा आगे चलते। चलो चलो चलो। भाई रे नाम है, और भाई यू का सांप लटकाया हुआ है गले पे। ए भाई कौन है तू? हाँ? ओ भाई हेलो। सो क्या रहा है? वो सो नहीं रहे, तपस्या कर रहे। तो इसको जगाते हैं क्या हम लोग? यस यस, इनका नाम रे है तो। ए रे उठ जा, ए उठ जा, ए। अबे फादर। ओ भाई क्या भड़क रहे हैं? सॉरी भाई। फादर तुम लोग क्या है तुमको? दुखता दी एक आदमी यहाँ पे तपस्या कर रहा है। सॉरी बट हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहते थे, एक्चुअली करना चाहते थे डिस्टर्ब, लेकिन हम लोग इस जगह पे गुम हो चुके हैं, क्या हमें रास्ता बता सकते हो? बस इतनी सी चीज के लिए तपस्या तोड़ दिया तुम लोग ने मेरा। माफ करना प्लीज, हमें मारना मत। सॉरी प्लीज, हमें शाप मत देना। तलवार से क्या मैं डर जाऊंगा? अरे सॉरी तलवार में निकाल नहीं रहा था, सॉरी गलती से निकाल दी। तू ये अंदर रख यार। सैमुअल भाई कुछ बोलो ना यार इसे। देखो हमें माफ कर दो, हम यहाँ पे घूम चुके हैं, हमें रास्ता चाहिए। हाँ प्लीज प्लीज हमें रास्ता बताओ, हम लोग कहाँ पे है, ये जगह कौन सी है पहले तो। उससे मुझे क्या, तुम लोग ने मेरी तपस्या तोड़ दी। अरे क्या तपस्या तपस्या कर रहे हो, बताओ ना चुपचाप। वही ना, अब तो मुझसे ऐसे बात करोगे? अरे यार प्लीज बता दो ना रास्ता। सॉरी बोल दिया ना, अब क्या पैर पड़ू? अब तुम ज्यादा ही घमंडी बन रहे हो। तुम जैसे कमजोर लोग से मैं बात भी नहीं करता, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ए, किस बात का घमंड है तुझे, हमारी हेल्प तो कर यार। हाँ यार हेल्प तो करो, एटलीस्ट हेल्प करो तो पुण्य मिलेगा। पुण्य कमाने में नहीं बैठा यहाँ पे, और बेहतर यही रहेगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वरना। अरे क्या निकल जाओ, वरना क्या क्या कर लेगा बुड्ढे, क्या कर लेगा? इतनी बदतमीज से बात कर रहे हो, लगता है तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। भाई इसको इसको दिखाना पड़ेगा, मारो इसे। चल भाई मरना नहीं है, सब लोग संभाल के। बहुत खतरनाक है। ओह शिट 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 मेरी हेल्थ। आजा बालक, दो सेकंड नहीं टिक पाओगे तुम लोग मेरे साथ। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोग। अच्छा ठीक है, अभी हम दिखाते हैं कि हम कौन है। ओह शिट मार भाई इसको, काफी काफी स्ट्रांग है। शिट शाबाश सैमुअल भाई, उसको मारो। ओह शिट समझ में आ गई अपनी गलती। पावर कम हो रही है। यस डर गया ना, भाग रहा ये ले। बोलो कड़ा अटैक्स है क्या? रुक जाओ। क्या क्या हुआ, डर गए? तुम्हारे पास ये कौन सी तलवार है? ये तलवार है हीरो सॉर्ड, जो कि हीरो ब्रायन से मिली है। हीरो ब्रायन? हाँ। ये तलवार में कुछ तो है, मेरी शक्तियों को कमजोर कर रहे हैं। ओह आई गेस गाइस हम लोगों ने इसे डरा दिया। हाँ यार इसने रो दिया। मैं डरा नहीं हूँ समझे, मैं बस तुम्हारी शक्तियों को देख के चौंक गया हूँ, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ मैंने पहली बार देखी है। मुझे इस वार्ड के बारे में पता है, पर इस तरीके से ये स्वॉर्ड काम नहीं करनी चाहिए। ये स्वॉर्ड बड़ी मुश्किल से पाई है हम लोग ने समझे, इससे इसमें काफी पावर है। पावर ये तलवार में नहीं, पावर तेरे में बच्चे। क्या बोल क्या रही है, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? शायद से तुम दोनों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। हाँ ये एकदम सही कह रहा है, तुम दोनों में काफी पावर है, लेकिन अभी तक तुम अपनी ताकत को समझ नहीं पाए हो। हाँ, देखा ब्रो वॉइस, बोला था ना मैं कितना शक्तिशाली हूँ। बच्चे ज्यादा चले के चाल में मत उछल। क्या बे क्या बोला? हाँ अरे अरे चचा झगड़ा मत करो अभी तुम लोगों। ओके ओके। और भाई अब तो तुम बताओ क्या हम लोग को कहाँ पर जाना होगा, हम लोग है कहाँ पर एक्चुअली में, है ना? लगता है तुम लोग काफी बुरा वक्त देख के आए हो, आखिर कहाँ से आए हो तुम लोग? एक्चुअली अभी हम लोग है ना ऑक्यूलस से लड़के आए, तुमको पता है ऑक्यूलस कौन है? नहीं नहीं इनको नहीं पता होगा। ऑक्यूलस क्या पता है? ये नहीं पता। चल मुझे पता है ऑक्यूलस कौन है। बट आपको कैसे पता, आप कभी लड़के आए हो क्या उससे? वेट तुम हंस क्यों रहे हो, कौन हो तुम? मैं शैंक के लिए काम करता था। ए?
भाई शिट, दूर हटो दूर हटो, इसको मारना पड़ेगा। चल रे इसको फोड़ते, चल अरे रुको रुको रुको, मैं काम करता था, करता हूँ नहीं। अच्छा करते थे तो अभी क्या करते हो तुम? अभी सिर्फ तपस्या। मतलब तुमने शेंग को छोड़ दिया? हाँ। क्या बात कर रहे हो यार, ये सारी बातें हम यहाँ पे बाहर नहीं कर सकते, पता नहीं यहाँ पे कोई शेंग का जासूस या हुआ तो। एक काम करते मेरे घर चलते, वहाँ पे मैं तुम लोगों को सब कुछ बताता हूँ। ओके, और तुम लोगों को थोड़ी आराम की भी जरूरत लगती है, काम करो चलो मेरे पीछे पीछे। ओके चलो चलते। एक मिनट, इनको कोई फंसा तो नहीं रहा है ना? हाँ यार, मुझे भी थोड़ा सा लग तो रहा है यार, हम लोग किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोग को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा तो चले जाओ यहाँ से। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें पूरा विश्वास है ना, है ना विश्वास? हाँ हमें जाना चाहिए। हाँ ठीक है चलते। मुझे तुम लोग में से सिर्फ सैमुअल ही समझदार लग रहा है। अरे तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। छी तक गंदा घर बना है क्या ये झोपड़ी? अब क्या इस उम्र में मैं अकेले के लिए एक घर बनाऊंगा? अरे अरे अच्छा 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 घर है यार, अच्छा घर है। चल मैं जा रहा हूँ अंदर, खुल खुल। हाँ चलो जाते हैं अभी अंदर। ओ भाई काफी मस्त है यार, ये क्या किया है देख, छेद हो गया इधर। लो ली क्या है? हाँ नहीं नहीं अच्छा घर है, अच्छा घर है, अच्छा घर है। मैं सालों से तपस्या कर रहा था और ये घर बस ऐसे के ऐसे ही बन रहा, और अभी घर की हालत खराब हो गई है। अच्छा ओके, अब तुम अपनी कहानी बताओ, यहाँ पे कैसे पहुँचे? हाँ चलो अब इसको सब कुछ बताते हैं। तो देखो हुआ ये है कि ना ऑक्यूलस हमारे पीछे पड़ चुका है, और ऑक्यूलस ने ना एक बंदे को मारा है जेनेसिस नाम के, और उसको मार के उसने सारी पावर्स ले ली उसकी। क्या हुआ, जेनेसिस मर गया? हाँ तुम जानते थे क्या उसको भी? बेचारे के ऊपर बहुत दया आती है, शैंग ने उसे 500 साल तक बेडरॉक के अंदर सड़ा दिया था, बेचारा अपना बदला भी नहीं ले पाया और ऐसे ही मर गया। वो यार तो और भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके ऊपर। तो अभी है ना उसने जेनेसिस की पावर लेके हम लोग को मारने का ट्राई कर रहा है, या फिर आई डोंट नो, पता नहीं कौन है ये ऑक्यूलस, तुम कुछ जानते हो तो बताओ यार हमको प्लीज। हाँ यार प्लीज कुछ तो बताओ ना, बहुत हेल्प की जरूरत है। हाँ प्लीज बता दो, तुम्हारे हेल्प की बहुत जरूरत है हमें। मैं तुम्हें बताता हूँ ऑक्यूलस के बारे में, ऑक्यूलस के साथ लड़ने के बाद भी तुम तीनों उससे बच गए, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। यू काफी स्ट्रांग है क्या वो? ऑक्यूलस बहुत ताकतवर है, अगर शैंग ने एक बार उसे कुछ ऑर्डर दे दिया तो फिर वो उसे खत्म करके ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिट तो इसका मतलब शैंग ने उसे बस मस्ती करने भेजा था हमारे यहाँ पे? ये क्या बोल रहे हो? हाँ क्योंकि अभी हम लोग उससे लड़के आए और हम लोग को लग रहा है कि वो अपनी पूरी शक्ति से यूज भी नहीं कर रहा था, आई गेस वो अपनी जेनेसिस की पावर यूज करने आया था, बस ये टेस्ट करने आया था लग रहा था, और बस हमारे साथ बच्चे की तरह खेल रहा था। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, वो हमें मार नहीं रहा था, वो बस अपनी शक्तियों को टेस्ट कर रहा था। अरे एक मिनट, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके अंदर इमोशंस पैदा हो रहे, ये तो बहुत बुरी खबर हो गई। वेट क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो? ऑक्यूलस एक ऐसा क्रिएचर है जिसको शैंग ने अपने खुद के हाथों से बनाया है। क्या बात कर रहे हो? ऑक्यूलस को बनाने के लिए शैंग ने अपनी सारी ताकत, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी पावर को एक करके बनाया, और उसे बनाने के लिए सालों साल लग गए, और शैंग ने उसे इसलिए बनाया ताकि वो अपना सारा बुरा काम उससे करा सके। और वो सिर्फ उसी के ऑर्डर्स फॉलो करता है, और वो चाह के भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब मुझे तुम लोग की बातें सुन के लग रहा है कि चीजें बदल रही है। क्या बोलना क्या चाह रहा है? वो सिर्फ तभी उसे भेजता है जब किसी को मारना हो। बट यार वो हमारे साथ तो बस मस्ती कर रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बस अपने शक्तियों को टेस्ट करने आया था ऐसा लग रहा था, है ना? हाँ। और अच्छे से यूज भी नहीं कर पा रहा था, मार भी नहीं रहा था। वही बात है, शायद उसके अंदर इमोशंस पैदा हो रहे, और अगर एक बार उसके अंदर इमोशंस पैदा हो गए तो ये दुनिया खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वो अभी शैंग के कंट्रोल में है, और एक बार उसके कंट्रोल से वो निकल गया तो वो पूरी दुनिया तबाह कर सकता है, उसके अंदर उतनी शक्ति भरी हुई है। ओह शिट। लेकिन एक मेरे को एक सवाल आ रहा है कि अगर शैंग को पता चल गया कि ये अपने दम पे काम कर रहा है तो फिर उसे मार नहीं देगा आराम से? शैंग मार तो देगा उसे, पर उसे पता चले उसके पहले पूरी दुनिया का अनंत हो गया रहेगा। ओह शिट। और दूसरी चीज, अगर उसे पता भी चल गया टाइम से पहले तो उसे ऐसे ही नहीं मार सकता, उसे सालों लगे उसे बनाने के लिए, वो अपनी मेहनत को क्यों वेस्ट करना चाहेगा? यार ये क्या बोल रहा है, ऐसे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत ही बुरी खबर है हमारे लिए भी और दुनिया वालों के लिए भी। और रे बाबा सुनो ना, ये प्लास्टिक का सांप क्यों लगा है?
क्या ये? तुझे बजाक लग रहा है? सांप को छोड़ूंगा, पानी भी नहीं पूछेगा। कटवा तुझे सांप से। लड़ाई नहीं यहाँ पे, जाओ अपनी जगह पे जाओ। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था। ऐसा सवाल नहीं पूछता नेक्स्ट टाइम। और दूसरी बात, ये मेरा रेलिक है जिससे मुझे सांप की शक्ति मिलती है। ओ भाई खतरनाक। तो फिर यार अभी ओकुलस को रोकने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, क्योंकि दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई एक रास्ता होता है। अगर तेरे ये स्वॉर्ड में वो पहाड़ में मिलने वाली शक्ति लगा दे तो नहीं कुछ नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा रुक, ये तुम लोगों को भूख बहुत लगा रहेगा ना। हाँ, मुझे चिकन खाना है। एक मिनट, कुछ तो बोलने की ट्राई कर रहा था ये दोस्तों। क्या ये कुछ तो बोल रहा था ना, पहाड़ी में मिलने वाली शक्ति स्वॉर्ड पे लगा दे तो कुछ हो सकता है, कुछ तो ये बोलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहा हम लोग को। कुछ तो है गाइस। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक काम करते, इसको मार मार के ना उल्टा लटका के पूछते तो ये सच उगलेगा। अरे यार जंगी, बार बार मारने की बात मत कर यार, कुछ सोचना, दिमाग लगा। हाँ प्रो बॉय सही बोल रहा है। ओके, सॉरी। पर फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, शायद वो हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, तो क्या करना चाहिए हम लोग को? अरे गाइस लोग समझ नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है कि वो एक ढोंगी बाबा है और तुम लोग उसके बातों में आ रहे हो। पागल हो गए क्या? इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते हम किस पे भी। हाँ यार बात तो सही है, अगर वो शैंग के साथ काम कर रहा होता तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है? लेकिन यार वो माउंटेन के बारे में क्या बोल रहा था? वो तो छुपा है उसने हमसे, शायद से वही पे कुछ छुपा हुआ है क्योंकि वो हमको बताना नहीं चाह रहा। हाँ एक मिनट, कोई तो देख रहे हुए कौन? रुक भाई, देख क्यों रहा था चुप के? हाँ भाई बोल। वो जो तुम लोग बात कर रहे हो, मैं गलती से बोल दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब माउंटेन में कुछ नहीं है? गलती से बोल दिया था, मुझे लगा कुछ कर सकते पर नहीं ऐसा कुछ। नहीं ये झूठ बोल रहा है। आप देखो जो भी है बता दो। अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था ऐसा कर सकते शायद पर नहीं हो सकता वो चीज। जंकी तू तो मानता है ना मेरी बात, तू तो यकीन करता है ना मुझ पे? नहीं तेरा यकीन कैसे कर लूँ? हाँ ढोंगी बाबा। अरे मानो यार मेरी बात, मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि तू कुछ तो छुपा रहा है। अरे नहीं जंकी, नहीं मानो मेरी बात। अच्छा रुको, तुम लोग को पहले भूख लगा रहेगा, मैं कुछ लेके आता हूँ। ये देख बात पलट रहा है, भाग रहा है। मैं तो स्टार्टिंग से बता कि ये चोर है। लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात पे? हाँ भी सच बता दो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं अभी तुम लोग को यहाँ पे ही खत्म कर दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा। अच्छा बेटा, मतलब तू जो बात बोल रहा था वो सही था ना? तुम तीनों को सच जानना है ना, पहाड़ में छुपी हुई शक्ति है जिससे कि ऑक्युलस को मार सकते, और अब जबकि तुम लोग को पता चल गया है तो तुम लोग को यहाँ पे मुझे खत्म करना पड़ेगा। भाई फाइट शुरू कर दी बंदे ने। क्या शीट ढोंगी बाबा। ओ भाई बहुत डैमेज दे रहा है बंदा, भाई क्या शक्ति है इसके पास। आराम से तुम लोग। बट भाई तुम मारना क्यों चाहते हो हम लोग को? ऐसे क्या है इस बात में? कोई ना बता ना, चुपचाप बता। ओ शिट, अच्छा ये पावर मेरे को ढूंढेगी। सवाल के ये बात सिर्फ शैंग और कुछ लोग को पता थी, और अब ये बात जब तुम लोग को पता चल गई है तो शैंग मुझे नहीं छोड़ेगा और इसलिए मुझे तुम सबको मारना पड़ेगा। अच्छा ये बात है क्या? लेकिन भाई तुम यार कब तक डरते रहोगे शैंग से? कभी ना कभी तो उससे लड़ना ही पड़ेगा ना। देखो अगर तुमने हमें मार दिया तो शैंग वैसे भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि शैंग हमें नहीं मरवाना चाहता, वो हमें किडनैप कराना चाहता है। और अगर तुमने हमें मार दिया तो फिर समझ लो तुम्हारा गेम तो ऐसे भी खत्म है, इसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। प्लीज हमारे साथ दो। हाँ यार ये बात भी सही है। तो क्या तुम हमारे साथ आगे? देख रहे अभी तू एकदम खतरे में, क्योंकि अगर तू अभी हमें मारेगा तो तू बहुत खतरे में हो जाएगा, और अगर नहीं मारेगा तो भी तू खतरे में ही है, इसलिए तुझे हमारा साथ देना चाहिए। और तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तेरे को कुछ नहीं होगा, हम लोग तुम्हें फुल प्रोटेक्ट करेंगे। देखो तुम तो ऐसे ही मरने वाले हो, इससे अच्छा है कि तुम कुछ अच्छा करके मरो, अच्छा ही का साथ देके। तुमने बहुत बुरे काम किए होगे उसके साथ रह के, लेकिन अब समय आ चुका है अच्छा ही दिखाने की। पर मैं मरता नहीं चाहता। टेंशन क्यों ले रहे हो? हम है ना, हम तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, ये मेरी जुबान है। अब तक शैंग हम लोग को मार नहीं पाया है। हाँ वो पता है कितने दिनों से वो हमारे पीछे है, पूरे एक दो महीने क्या साल हो चुके शायद, और वो अभी तक हमको नहीं पकड़ पाया है। हम लोग ने नल और हीरो बैंड को मारा है। हाँ तुम हम पर ट्रस्ट कर सकते हो। चलो ठीक है मैं तुम लोग के साथ आता हूँ। ये हुई ना बात, चलो साथ में खत्म करते हैं उस ऑक्युलस को।
ये हुई ना बात, अभी असली मजा आएगा ना। अब केव का रास्ता यहाँ से काफी दूर है और वो रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है, और वहाँ पे काफी तरीके के जंगली जानवर मॉन्स्टर्स हैं, तो इसलिए हम सबको वहाँ पे चौकन्ना रहना होगा। चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुमको लेके जाता हूँ। ओके चलो चलते हैं, लेट्स गो। सबके पास खाना वाना है ना? हाँ हाँ बहुत है, चिकन भर के लाया। भाई पता नहीं आप यहाँ पे कैसे रह लेते हो, काफी मुश्किल होता होगा है ना? सालों की तपस्या के बाद मैंने शक्ति हासिल की। इतना बुरा कर्म किया है तो तपस्या तो करना पड़ेगा ना। उसको बोल दे प्रभु शांत रहे, वरना ये हवा तक पहुंच भी नहीं पाएगा। ए शांत है ना यार, प्लीज तू क्यों झगड़ा करवा रहा है? क्या बोला? अच्छे से बोला। तो फिर भाई देख कितना बड़ा माउंटेन, कितना बड़ा है। ये माउंटेन तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े माउंटेन है यहाँ पे। उसके पीछे देख ले, उससे भी ऊंचा है। झूठ बोल रहा है। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी शांति है यहाँ पे। ऐसी शांति मेरे गांव में नहीं हुआ, मुझे बहुत इज्जत दिया करते थे उन लोग। क्या झूठ बोल रहा है, इतने सालों से कोई फेंकने को नहीं मिला क्या जो यहाँ पे आके फेंक रहे हो हमारे सामने? ज्यादा नहीं बोल रहा, रोबोट सैम्यूल समझा दे इसको। अरे यार क्यों इतना चिढ़ा रहे उसको? हाँ हाँ चलो अभी चलते। और कहाँ पे था बेल? बेल को गांव में बहुत इज्जत करा करते थे, और फिर एक दिन मैं शैन से मिला, तब से फिर मेरी कहानी बहुत खराब रही है। तो शैंक से मिलने का दूध तुमको क्या करता है? वो तुमको अपने साथ ले लेता है या फिर तुम्हें किडनैप कर लेता है? उसने मुझे मैनिपुलेट किया और फिर मुझसे सारे अपने बुरे बुरे काम करवाए, और इसी वजह से मेरी पूरी फैमिली, मेरे गांव वाले सब मुझसे नफरत करने लगे, और एक दिन मैं सबसे अलग हो गया। जब तक मैंने ये चीज रियलाइज की तब तक बहुत लेट हो गया था। मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले सब मुझे छोड़ के चले गए। अरे आप टेंशन मत लो, हम लोग है ना, हम लोग सबको वापस ले आएंगे। काश प्रोबो इस तरह ये बात सही हो पाती, पर बदकिस्मती से मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले सब के सब मारे गए। यार ये क्या हो गया? ये कौन है भाई? ये तो वही प्राणी है। अब यहाँ से सब लोग ध्यान देना। ओके। तो इलाके में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी पार्टी को गरीब मॉन्स्टर मिलना चालू हो जाएंगे। ओ श्री कौन है? ओ भाई। यस भाई, ये कौन है? चीता। ओ। ये देखिए क्या है? ओ ले 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 ले। चलो मारने वाले। मार। यस लेट्स गो। ओ नो नो नो। शूट शूट। इससे तो हम लोग बहुत बार लड़ चुके वैसे तो, है ना? चलो इनको कूटते थोड़ा सा। स्ट्रांग स्ट्रांग होने वाले अभी। शूट भाई, अभी तो बहुत सारे जंगी बच के। ए मेरे पीछे रु 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 रु। मैं बचाता हूँ। बच के रहो। हाँ खतरनाक है लोग। यस बहुत सारे लोग हैं। और रुक जा, मैं अपने हीरोइन शॉट से मारता हूँ ना, तो बच नहीं पाएंगे। यस ओके ओके, बहुत सारे शिट। ओ नो 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 नो, ये ले बेटा। यहाँ पे आओ, बहुत सारे यहाँ पे। ओके अरे लोग, लेट्स गो। यस गाइस बहुत सही। ओके ओ नो नो नो, शिट शिट शिट। ओके ओके आई गेस मर गए सब। अपने बंदे को मत मारना। हां लेट्स गो, सब मर गया। हो रहा ये तेरे पीछे, मेरे पीछे। यहां पे ओ शिट 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 बेटा, तेरी तो ये ले। यहां पे रास्ता है। ओके जल्दी जल्दी आ जाओ। इधर आओ इधर आओ। ओ शिट अभी तो और भी है। ओ ओके भाई, कितने सारे लोग हैं भाई। लेकिन चलो ये अच्छे के लोग जल्दी जल्दी मर रहे हैं। ओके आई थिंक सब मर चुके हैं। अरे हाँ ये लोग तो भाई स्पॉन होते रहेंगे, ये तो इनका इलाका है। भागो भागो भागो, जल्दी 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 भागो। तो भाई वो क्या आगे? What? ये देखो वो तो पोर्टल दिख रहा है मेरे को। पहुंच गए हम लोग। ओह शिट, ये क्या है? कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ओह भाई बहुत क्रीपी लग रहा है। वो भी लावा है। यहाँ से रास्ता है। आ जाओ, टेंशन मत लो, आ जाओ। ये भाई ये गिरना मत, लावा में गिरेगा। भाई मेरे को डर लग रहा है, ये क्या है? ये गिरना मत। डरो मत। भाई ये तो मेन चीज दिखता बाकी। आ जाओ। क्या तुम्हें पोर्टल दिख रहा है? हाँ। उस पोर्टल के पार वो है जो हम सब ढूंढ रहे हैं। क्या क्या है अंदर? वो तुमको अंदर ही जाके पता चलेगा। ओके प्रो गैंग, ये क्या है? तो बड़ा पोर्टल, और एक मुझे कोई तो बुल का निशान भी दिख रहा है भाई। चलो
जाते ही इसके अंदर।